मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लेंगे C21Y कैसे पैटर्न पिन अनलॉक करें और FRP भी अनलॉक करें। तो हम लोग को पता है जो रियलमी C21Y फोन स्पीडी CPU है इसमें, तो स्पीडी CPU अनलॉक करने के लिए अच्छा टूल मार्केट में अभी नहीं है, तो इसलिए हम UMT की मदद से ये जो रियलमी C21Y हम लोग आज अनलॉक करेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो है, 3 से 4 मिनट का वीडियो है, आप स्किप मत कीजिए। स्किप करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोटा सा एक टिक लगाना भूल गया, हम क्या क्या कर रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए, एक भी स्किप मत कीजिए, 3-4 मिनट आप देखिए। तो पहले हम UMT का जो सपोर्ट साइट वो हम ओपन किया, इंस्टॉलर ओपन किया, और जो टूल हम लोग जो टूल अभी हम दिखा रहे देखिए, जो यही टूल आप पहले यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स ये टूल आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा ये टूल पहले से डाउनलोड करके रखा, इंस्टॉल भी किया। तो ज़रा हम ये टूल देखिए ओपन कर रहे, तो ये टूल ओपन होने के बाद हम क्या क्या कर रहे ज़रा देखते रहिए। पहले तो टूल ओपन हो गया फ्रेंड्स, बहुत काम का टूल है, जो बंदा ये टूल का काम आता है उनका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए हम देखते रहेंगे कैसे होगा। तो फास्ट वाला जो टैब है इसमें आपको आना है, इसमें आने के बाद आपको और एक चीज़ ध्यान में रखिए, मोबाइल इसमें कोई बूट की का ज़रूरत नहीं है, आपका कोई पावर स्विच फ्विच का दबाना ऐसा कोई वॉल्यूम बटन दबाना का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कनेक्ट फ़ोन में क्लिक कीजिए, इसका बाद केबल इंसर्ट कर दीजिए, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देख लेंगे। तो हम कनेक्ट फ़ोन में क्लिक किया, ओनली मोबाइल अभी पावर ऑफ है, हम मोबाइल केबल को इंसर्ट कर दिया, कोई बूट की का ज़रूरत नहीं है, ओनली केबल इंसर्ट कर देना है। केबल इंसर्ट करने के बाद देखिए इसमें स्पीडी ड्राइवर अभी तक नहीं लिया, देखिए स्पीडी ड्राइवर ले लिया और इसमें फ़ोन भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट होने के बाद हम लोग यही रिफ्रेश करके पोर्ट अभी हम सेट कर रहे, कौन सा पोर्ट ले रहे, देखिए डिवाइस मैनेजर में जो पोर्ट आया अभी डायग्नोस्टिक पोर्ट, जो नंबर का डायग्नोस्टिक पोर्ट आया इसमें वो पोर्ट हम सिलेक्ट कर दिया। देखिए अभी डायग्नोस्टिक पोर्ट जो ओपन हुआ वो पोर्ट हम अभी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट वाइप फोन में क्लिक करना होता है, देन ओके में क्लिक करना होता है। ओके में क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है देखिए, फ़ोन अभी वाइप रीसेट हो गया। तो वाइप रीसेट होने के बाद फ़ोन जब ऑन होगा तो FRP रीसेट करने के लिए तो कोड आपको पता ही है, *#813# इमरजेंसी में जाके वो डायल करना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोग वीडियो देखते हैं प्रॉब्लम का सलूशन भी आप लोग का होता है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो को एक लाइक भी नहीं करते हैं, एक लाइक तो बनता है ना जो जब आपको सलूशन हो जाता है। अभी जो आप लोग देख रहे ये वाला सलूशन YouTube में अभी नहीं है, स्पीडी CPU का ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स।